हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर नाइन फ्यूल का डी पार्ट करेंगे डी पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूल फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्यूल के मेन फंक्शन बताने हैं मतलब हमें बताना है कि फ्यूल का जो मेन काम है वो क्या होता है तो इसका आंसर आएगा द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूल इज़ टू गिव एनर्जी इसका मतलब हुआ कि फ्यूल का जो मेन काम होता है वो एनर्जी देना होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सोलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें सोलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल का एक एक एग्जांपल बताना है तो इसका आंसर आएगा एग्जांपल ऑफ सोलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स आर तो सोलिड फ्यूल का एग्जाम्पल लिखेंगे हम कोल लिक्विड फ्यूल का आएगा पेट्रोलियम और गैसेज फ्यूल को लिखेंगे सी तो यहाँ पर कोल जो है वो सॉलिड फ्यूल का एग्ज़ाम्पल है पेट्रोल जो है वो लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है और सी जो है वो गैसेज फ्यूल का एक एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई इज़ बायोगैस रिगार्डेड एज ए बैटर फ्यूल देन काउडंग केक क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पूछा गया है कि बायोगैस जो है वो कैसे एक बैटर फ्यूल है केक से मतलब जो बायोगैस है वो गोबर से अच्छा फ्यूल कैसे है तो इसका आंसर आएगा बायोगैस रिगार्डेड एज ए बेटर फ्यूल देन काउडंग केक बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोग ऑन बर्निंग एंड डज़ नॉट लीव एनी एस आफ्टर बर्निंग इसका मतलब हुआ कि बायोगैस जो है वो डंग केक से एक अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसके जलने के बाद ना तो किसी तरह की स्मोग प्रोड्यूस होती है और ना ही जलने के बाद कोई ऐस बचती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज़ सी एन जी कोल्ड ए बैटर ग्रीन फ्यूल क्वेश्चन नंबर फोर में हमें पूछा है कि सी जो है वो एक बैटर ग्रीन फ्यूल कैसे है तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है तो इसका आंसर आएगा सी एन जी इज कोल्ड ए बैटर ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट कोज लेस एयर पोल्यूशन मोर इको फ्रेंडली एंड आल्सो इट इज़ लेस हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स इसका मतलब हुआ कि सी जो है वो एक अच्छा ग्रीन फ्यूल है क्योंकि सी की वजह से जो है एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है और ये मोर इको फ्रेंडली है मतलब पर्यावरण के अनुकूल है और सी जो है वो कम हार्मफुल है इंसानों और जानवरों की हेल्थ के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द थ्री मेन फोसिल फ्यूल्स क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें थ्री फोसिल फ्यूल के नाम पूछे हैं तो इसका आंसर आएगा कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द थ्री मेन फोसिल फ्यूल इसका मतलब हुआ कि कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो मेन फोसिल फ्यूल्स हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेट टू डिसवानटेजेज ऑफ फोसिल फ्यूल क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें कोई दो डिसएडवाटेज बतानी है फोसिल फ्यूल की तो इसका आंसर आएगा टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फोसिल फ्यूल आर फर्स्ट आएगी फोसिल फ्यूल आर द मेजर कॉज ऑफ़ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इसका मतलब हुआ कि फोसिल फ्यूल जो है वो मेन वजह है एनवायरनमेंट पोल्यूशन की और सेकंड डिसएडवांटेज आएगी दे आर अवेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी और जो फॉसिल फ्यूल हैं वो हमारे पास कम मात्रा में पाए जाते हैं तो ये जो दो हैं ये फोसिल फ्यूल की डिसएडवांटेजेस होंगी